जी हाँ दोस्तों, आप सभी का अरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स 2023 बोर्ड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लेके आए हैं दोस्तों, जो कि हर साल आने वाले प्रश्न होते हैं। इनकी पूरी श्योरिटी होती है कि 100% की इसी में से हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा जिसे हम बोलते हैं सेक्शन ए, जो हमारे 18 मार्क्स का होता है दोस्तों, इसी में हमने क्वेश्चन कोशिश की है इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करने की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। दोस्तों, एक शायरी है, वो इस प्रकार है, कोशिश करने वालों के लिए, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, वह बहुत ही प्यारा सा क्वेट है कि इसमें हम कुछ भी करें, हमारे लक्ष्य कोई भी इतना असंभव नहीं होता जिसे हम पा ना सकें। तो दोस्तों, अपनी पढ़ाई बोर्ड में एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर इसको एक बार रिवाइज करें, यह आपको बड़ा ही हेल्पफुल काम करेगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब संरक्षित होता है। सेकेंड है, पोटेंशियल इज एट ए पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी। हमारा जो भी होता है पोटेंशियल वो इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट पे आता है, ना कि किसी पॉइंट से इन्फाइनाइट की ओर जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। आप देख सकते हैं ए और सी में, जो हमारे पास ऑप्शन ए है एंड ऑप्शन सी है, दोनों हमारे ऑप्शन क्या है, विरोधाभास है, जो कि हमारे क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। एंड पोटेंशियल इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क। तो पोटेंशियल हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट, चार्ज एंड वर्क का प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल गलत। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन। हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर हम कोई अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो किस ऑप्शन सही होगा, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ ए एंड बी। अगर आप ध्यान से समझें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर हम बनाएं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसके हम कहीं फोर्स रखते हैं, तो अगर हमारा फोर्स रहेगा तो इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस पर फोर्स इधर लगेगा। तो इनडायरेक्ट वे में जब हम नेट फोर्स की बात करेंगे तो एफ नेट हमारा कितना होता है, जीरो। किस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बहुत अंतर है। और नॉन यूनिफॉर्म का अगर हम डायग्राम की बात करें, कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आप डाइपोल को अगर रख भी दोगे तो उस पर कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होता। तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, बी, सेकेंड का ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन्स के अलॉन्ग हमें स्टेटमेंट देखने, इसमें कौन से सही होंगे। तो हमारा पहला है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। सेकेंड है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। थर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, थर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज लूप्स। तो दोस्तों, थर्ड ऑप्शन तो हमें पता चल रहा है कि इसमें गलत है, क्योंकि थर्ड फॉर्म में क्या है, क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं। तो क्लोज्ड लूप नहीं बनाते, इसका मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से समझें तो क्लोज्ड लूप हमारी कौन सी बनाती हैं, जिन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी बनाती हैं, ओपन लूप, कैसी बनाएंगे, ओपन लूप। तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा गलत है, तो थर्ड ऑप्शन जिसमें है वो उसे हटा दो। तो इसमें नहीं, इसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ए, थर्ड ऑफ, थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट है, इफ द डाइपोल ऑफ मोमेंट 2.57 × 10⁻¹⁷ कूलाम मीटर इज प्लेस्ड इन टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम,
सच दैट द फील्ड्स लाइन्स आर अलाइन एट 30 डिग्री विद द लाइन ज्वाइनिंग पी टू द डाइपोल, व्हाट टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल। तो दोस्तों हमें क्या क्या डेटा गिवन है उसके बारे में है और उससे फिर हमें उसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक रफ शीट लेता हूं और उस रफ शीट पे आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इस शीट में क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, तो इसमें दिया गया है हमारे पास थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 डिग्री। जब हम बात करें डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल मूवमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, जिसकी वैल्यू दी है 2.57 × 10⁻¹⁷ कूलाम मीटर। एंड हमारे पास नेक्स्ट दिया है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कितना, 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। हमसे पूछा क्या गया है? टाउ। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें दिया होता है उसे लिखेंगे, देन हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे टाउ बराबर पी साइन थीटा, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब हम इसमें क्या वैल्यू रखेंगे? पी की वैल्यू हमारे पास है 2.57 × 10⁻¹⁷ इंटू ई की वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁴ साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन तीस की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1/2। तो हम देखें तो 2.57 × 3 × 2 डिवाइड देंगे तो 1.5 आएगा, एंड 17 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 13। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो 10⁻³⁰ ऑप्शन देख लो कौन सा है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों ऑप्शन ये तो गलत हो गए, सी और डी। हमारे पास बचा ऑप्शन ए एंड बी। ए एंड बी में आप देखेंगे 2 × 2 होता है, तो मतलब 7.7 तो कुछ आएगा नहीं। आएगा क्या हमारा? 3.8 समथिंग आएगा। तो हम बोल सकते हैं 3.8885 × 10⁻³⁰। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये कैलकुलेशन से हमें बचना होगा, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन से और थोड़ा सा ऑप्शन से हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर देखना होगा, जिससे हम तुरंत के तुरंत आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो 4th का ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही बी होगा, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। इफ आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन। ध्यान से देखें इसमें एक वर्ड दिया है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल का मतलब है हर जगह बी क्या होता है? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? वोल्ट मीटर है वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ध्यान से देखें कि वर्क डन ऑन द चार्ज, मतलब वर्क डन होगा चार्ज के ऊपर होगा, चार्ज के द्वारा होगा, एंड वर्क डन इज कांस्टेंट, एंड नो वर्क डन इज डन। तो हमारा एक वर्क डन का फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू डेल्टा बी। अगर ध्यान से देखें तो चेंज इन डेल्टा बी कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि वोल्टेज हमारा क्या है? कांस्टेंट है। किस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो जिसकी वजह से डेल्टा बी क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि डेल्टा बी क्या होगा एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल सेम है, इनिशियल सेम है, तो उनका चेंज क्या होगा? 0। तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा? 0। सो ऑप्शन 5 का हमारा क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। असर्शन रीजन है हमारे नेक्स्ट में, असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, वो हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, सो द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो। बिल्कुल सही। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर Q इंटू डेल्टा B। अगर हमारे पास पोटेंशियल अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो स्वाभाविक सी बात है वर्क डन भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए दोनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे? सही होंगे, और दोनों एक दूसरे को क्या है? एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर क्वेश्चनों में थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हो, तो इन दोनों के बीच में आप बिकॉज लगाएंगे।
इन असर्शन और रीजन में बिकॉज लगा के इनको सही करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, हमारा कंजर्वेटिव है, जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करता। दोस्तों इसमें चार ऑप्शन होते हैं, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन हमारे सेम टू सेम होते हैं, कहीं भी कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। छठे का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमारा असर्शन और रीजन का है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी थ्रू ए की ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स द एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स के टाइम्स। उसने बोला है कि अगर हम एक तो हमारे पास सादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर हम उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उसमें इंट्रोड्यूस कर दें तो उसके बाद जो पूछ रहा है जो एनर्जी होगी पहले वाले एनर्जी वो हमारी द एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स के टाइम्स, तो हमारी जो एनर्जी है नई एनर्जी होगी जो पहले वाले एनर्जी की कितनी गुनी होनी चाहिए, के टाइम्स, मतलब यू डैश नई वाली एनर्जी के टाइम्स ऑफ पुरानी वाली एनर्जी, के टाइम्स ऑफ यू हो जाएगा हमारा। अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने की तो सॉल्व करते वक्त तो देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, उसमें ये पूछा गया है इस तरह से। हमें मालूम है एक फॉर्मूला होता है U बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, एंड U जब हम U डैश की बात करें तो U डैश जो हम बात करेंगे तो निकालेंगे कैसे, हमें U डैश ही पूछा है मेजरली इसमें कैसे हम उसे सॉल्व करें, तो C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A 0 अपॉन D, हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, एंड जब सी डैश निकालेंगे तो के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, जब हम यू डैश निकालेंगे तो हाफ सी डैश बी स्क्वायर, हाफ सी डैश की जगह अगर हम रखें तो के को अगर हम रख दें साइड में तो के सी बी स्क्वायर इंटू की, तो हमारा ध्यान से देखें तो यू डैश ये इसकी वैल्यू फिर से यू के बराबर आ गई, तो हम बोल सकते हैं के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं हमारा जो असर्शन है वो हमारा क्या होगा सही होगा। एंड रीजन की जब बात करें द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है क्या वो हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब हमारा एक फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, हमारा एक फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो वो कहना चाह रहा है कि जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसे हम सिग्मा बोलते हैं, क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। आप देखिए अगर चार्ज हमारा मूवमेंट होगा चार्ज में, अगर हमारा चार्ज बदले, या फिर हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर सी इंटू बी, हमारा जो कैपेसिटर है कैपेसिटर हमारा क्या हो रहा है बदल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा क्यू भी बदलेगा, अगर क्यू बदला तो स्वाभाविक सी बात है क्या बदलेगा हमारे पास सिग्मा बदलेगा, सो रीजन क्या हो जाएगा हमारा गलत, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन ए चार्ज क्यू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रेस्पेक्टिवली आर, तो पहले तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर रेस्पेक्टिवली, तो सबसे पहले हमसे जो पूछा गया है पहले तो हमें ये बताना होगा उसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, तो हमें मालूम है हमारे पास क्या एक स्फीयर है, ये इसकी रेडियस है, यहाँ से कहीं एक आर पॉइंट पर एक कोई पॉइंट पी है,
जहाँ हमसे पूछा जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमें पता है इस स्फीयर के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करता था हमारा, जीरो। अगर वो सेंटर पर पूछ रहा है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, जीरो। तो हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, जीरो। एक इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन, ये दो ऑप्शन तो हमारे रिमूव हो गए, एलिमिनेट हो गए। हमारे पास बचे बी और डी, बोथ आर जीरो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, बी, क्योंकि हमारा के क्यू, हमारा जब हम बात करें पोटेंशियल का, पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो ये तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट एंड देन इंसुलेटेड। ए प्लास्टिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स फिलिंग द होल गैप। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स नाउ बिकम्स 75 वोल्ट एंड द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ प्लास्टिक इज। तो वो हमसे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछना चाहता है कि क्या होगी, इनडायरेक्ट वे में के पूछना चाहता है हमसे। तो जब हम क्वेश्चन अगर देखें अगला, तो क्वेश्चन नंबर जब हम 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये पूछ रहा है कि क्या क्या डेटा दिया है दोस्तों, थोड़ा सा से। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे सेट करने में टाइम लग रहा है, हाँ तो शायद में भी ठीक है, ओके। हमें मालूम है कि इसमें क्वेश्चन में दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 500 वोल्ट, हमें 500 वोल्ट दिया गया है एंड Q बराबर हम जानते हैं C इंटू बी होता है, Q बराबर C इंटू बी होता है एंड जब हम C की बात करें तो एप्सिलॉन A अपॉन D होता है, जब नॉर्मली हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। लेकिन बोला है कि एक तरह से जब उसमें अगर हम गैस फिल कर दें, क्या फिल कर दें, जब हम गैस को फिल कर देते हैं तो हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला बदल जाता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन ध्यान हो तो क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि जो पूरे गैप में भरना है, गैप में भरने का मतलब है डी किसके बराबर हो जाए, टी के बराबर। तो जब हम बात करें तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे पास, तो बचेगा क्या, सी बराबर एप्सिलॉन के अपॉन डी। तो ध्यान से देखें तो ये नया सी डैश है, क्या बोलेंगे इसे, नया। तो सी डैश को हम बोल सकते हैं क्या, सी इंटू के टाइम्स ऑफ आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास क्या आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी आ जाएगा। और हमें मालूम है कि चार्ज हमारा सेम होता है तो क्यू बराबर क्यू डैश हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू है सी बी बराबर सी डैश, हमारे पास आ जाएगा क्या, बी डैश। तो सी कितना हमारे पास, सी को सी रहने दो, बी कितना दिया हमें 500, सी डैश कितना दिया है सी टाइम्स ऑफ के एंड बी डैश की जब हम बात करें तो बी डैश क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बी डैश हमें कितना दिया है आफ्टर 75 वोल्ट। तो देखो सी से सी गया तो के बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखें तो के बराबर आएगा 500 अपॉन 75। जब हम इसे काटें तो काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20/3, भाई 25 3 जा एंड 25 2 जा, तो कितना आ जाएगा 20/3। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20/3। तो आप देख सकते हैं जो हमने सॉल्व किया है 9th का, क्या ऑप्शन होगा सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10वां क्वेश्चन है, हमसे पूछा आर इक्विवेलेंट, एक डायग्राम दिया गया और आर इक्विवेलेंट पूछा है। थोड़ा सा अगर इसको आप मॉडिफाई करें तो हमारे पास ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में आर इक्विवेलेंट पूछा हमसे, तो ये सब डेटा हमको दिया गया है। अगर इसको हम थोड़ा सा इस ए को इधर खींच लें और बी को इधर खींच लें, तब आपको एक नया डायग्राम एहसास होगा। वो नया डायग्राम किस तरह बनेगा आप देख सकते हैं, नया डायग्राम को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो पहले तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये L, ये K और ये हमारे पास आ गया M। तो इस डायग्राम को देखिएगा, इसको अगर देखें तो इसको मैं मुझे खींच के इधर लाना है, तो मैं इधर ले आता हूँ। तो आप देखेंगे दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, इसको ऐसे कर दो, ये आपका A हो जाएगा और इसको इधर ले आओ, इस ये हो जाएगा B। तो इससे क्या है कि दो कनेक्ट कर दो। ध्यान से देखें तो सभी का रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अगर इस डायग्राम को आप अगर समझ पा रहे हो तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी में हमें कुछ रिप्रेजेंट करता था। इसको अगर ध्यान से देखो, आर बाई आर बीच में एक रेजिस्टेंस है, जिसे हम बोलते थे व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे इसे, व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसकी वजह से क्या था, ये वाला क्या रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता था। ये दोनों किस में हो गए हमारे सीरीज में, ये दोनों भी किस में, सीरीज में। तो ये 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। देन इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। जब 2R को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल के सॉल्व करेंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हमें जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 का। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है हमसे, इफ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 6×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, देन कोफिशियंट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज। हमसे रजिस्टिविटी के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो रजिस्टिविटी का मतलब इनडायरेक्ट वे में आपसे क्या पूछना चाहता है, वो रो पूछना चाहता है। तो रो पूछना चाहता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11वां है, क्या क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग। पहले लेंथ दिया है 15 मीटर, रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम एंड एरिया दिया है हमारे पास 6×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो हम सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। रो चाहिए तो हमें पता है आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू है 6×10⁻⁷ एंड ए की वैल्यू सॉरी एल की वैल्यू है 15। 5 से गया 3 बार, 3 से गया आपका 2 बार, तो ये आएगा 2×10⁻⁷। तो आंसर देखते हैं हमारा क्या है। तो इस ऑप्शन से अगर हम बात करें तो 11 का क्या आंसर सही होगा, हमारा बी। सो 11th का हमारा आंसर बी इज द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12वां। पूछा गया है हमसे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज। तो पूछ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा किस किस में डिपेंड करता है। तो उसको देखने के लिए दोस्तों हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जब हम बारे में की बात करें तो बारे में हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में, तो हमारा एक फार्मूला होता है बी बराबर होता है म्यू जीरो एन टाइम्स ऑफ आई। अगर हम बात करें एन को बदलना चाहते हैं तो एन इस, ये भी एक हमारा फार्मूला होता है। तो हम देख सकते हैं बी इज डायरेक्टली डिपेंड एन, बी इज डायरेक्टली डिपेंड आई एंड बी इज डायरेक्टली इन्वर्सली डिपेंड किस पे, लेंथ पे। तो हम जब बात करें कि हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट पे होगा तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही। तो 12वें का ऑप्शन क्या सही होगा, हमारा बी। कि इससे अगर हम देखें तो हमारा जो बी है वो आई पर डायरेक्टली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13।
टू फ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब हमारे दो पैरेलल वायर्स हों, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही हो, तो तब इनमें से कौन सा आसन सही होता है? दोस्तों, जब सेम करंट होती है दो वायर में, अगर करंट सेम हो रही हो तो वहाँ हमारा अट्रैक्टिव होता है, एंड जब दो करंट में हमारी अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो वहाँ क्या आ जाता है? रिपल्सन आ जाता है, रिपेल आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 13 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में पूछना चाह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो M होता है, वो हमारा किस किस से डिपेंड होता है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में, M बराबर, अगर आपने नाम सुना हो बीना, यहाँ हो जाता INA। तो हमारा देखेंगे जो M है वो I पर डिपेंड कर रहा है, मतलब करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम जब 14 की बात करें A की, तो A पर हमारा डिपेंड नहीं कर रहा। तो 14 का आंसर क्या होगा? हमारा A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, एट ए सर्टेन प्लेस द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 ऑरेस्टेड, द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन ऑरेस्टेड इज। हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो याद हो आपको कुछ इस तरह से डायग्राम बनता था, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा है, तो हम इसे बी एच बोलते थे, जैसे लिखते थे बी कॉस थीटा। ये हमारा क्या होता था? बी वर्टिकल, जिसे हम बोलते थे बी साइन थीटा। लेकिन हमसे पूछा है उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हम बोल सकते हैं बी एच बराबर क्या ले सकते हैं? बी कॉस थीटा। हमको बी एच दिया है क्वेश्चन में 0.5, बी हमसे पूछा है, एंड थीटा की वैल्यू कितनी दी है? कॉस 30। तो 0.5 बराबर बी कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 1/√3 आंसर आएगा। सो 15 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा सी, 15 का ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.16 टेस्ला, द मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज। हमसे पूछना चाह रहा है कि हमको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताओ कि हम कैसे इसे सॉल्व करें। तो मैं थोड़ा सा आपको एक एहसास करा दूँ, कॉस थीटा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कॉस थीटा में होता है। मैं बता दूं, u बराबर होता था mb cos थीटा। तो cos थीटा, जब हमारा cos थीटा हमारा, अगर मान लो थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो हम बोलते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। जब थीटा हमारा अगर 180 डिग्री है, तो हम बोलते थे अनस्टेबल में होगा, हमारा किस में होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ जब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं u बराबर माइनस का m टाइम्स ऑफ b। अच्छा जी, माइनस एम टाइम्स ऑफ बी है, तो हमारे पास अगर हम बात करें तो माइनस एम की वैल्यू 0.4, बी की वैल्यू 0.616, तो हम ध्यान से देखें ये आएगा 0.064। तो 16 का ऑप्शन डी हमारे दिमाग में क्या आएगा? 0.064 जूल, क्योंकि ये ध्यान से देखो तो ये साइन किसका दिया है? पॉजिटिव। तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा? सही हो तो ये भी गलत होगा, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन ये बचा। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा हमको, माइनस के 0.064 जूल आएगा। क्या आएगा हमारा? 0.064 जूल आएगा, तभी ये सही होगा, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आएगा यहाँ, लेकिन दिया किस में? प्लस में दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 17 में, ससेबिलिटी इज पॉजिटिव एंड लार्ज फॉर आ। तो ससेबिलिटी इज पॉजिटिव एंड लार्ज फॉर आ, तो किसके लिए ज़्यादा होती है ससेबिलिटी? तो ये हमारा डायरेक्ट याद किया हुआ क्वेश्चन है, तो हमारे किसके लिए होती है? फेरो के लिए।
हमारी फेरों के लिए ससेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 में, इफ द ससेप्टेबिलिटी ऑफ डाया पैरा एंड फेरो मटेरियल्स, इनका सिंबल दिया है एंड इनको कैसे रेस्पेक्ट ली, तो इनका सही ऑप्शन कौन सा होगा। हमें मालूम है फेरो का सबसे ज़्यादा होता है, तो हमें एक ही ऑप्शन दिया है जिस जो हमारा कौन सा है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, द वर्क डन इन टर्निंग ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एम बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन इज एन टाइम्स द करेस्पॉन्डिंग वर्क डन टू टर्न इट थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ एन इज गिवन बाई। तो हमसे पूछ रहा है 19 क्वेश्चन में कि बताओ भैया वर्क डन कितना होगा हमारा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं एक बार देखते हैं हम लोग। तो पहले तो बोला उसने 90 डिग्री, देन बोला 60 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है एन टाइम्स, तो एन की वैल्यू पूछी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, हमारा फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो जब हम बात करें थीटा वन की, तो थीटा वन हमारा हो जाएगा 0 डिग्री एंड थीटा टू कहाँ तक ले जा रहा है 90 डिग्री। तो हमारा पहला बोला है कि मैग्नेट ऑफ मोमेंट बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन, मेरिडियन मतलब 0 डिग्री। जब मैं वैल्यू रखूँगा डब्ल्यू बराबर एम बी, तो 1 माइनस का कॉस 90 की जब मैं बात करूँ तो कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है 0, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा एम बी। नेक्स्ट केस में बोला है जब हमारा थीटा वन जो है, नेक्स्ट दोबारा से थीटा वन फिर से 0 हो एंड थीटा टू कितना हो जाए 60 डिग्री, देन वर्क डन का फॉर्मूला आएगा हमारा एम बी कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 में से हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा एम बी अपॉन 2। तो ये हमारा नया वर्क डन है। तो डब्लू डैश अगर हम बात करें 2 टाइम्स ऑफ डब्लू बराबर क्या आ जाएगा हमारा एम बी, अगर 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू डैश, एम बी किसकी वैल्यू थी हमारी वर्क डन की। तो हमसे पूछ रहा है कि जो पुराना वर्क डन है नए वर्क डन का कितना गुना है 2, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी 2 टाइम्स। तो ऑप्शन जब हम बात करें तो ऑप्शन हमारा एन, एन की वैल्यू जब हम बात करें तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 20, When the current in a coil changes from 2 ampere to 4 ampere in 0.05 second, an EMF of 8 volt is induced in the coil. The coefficient of self-inductance of the coil is तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम जब सॉल्व करें तो देखेंगे कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 में हमारा फॉर्मूला होता है L बराबर माइनस के एप्सिलॉन, या हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन बराबर होता है हमारे पास माइनस के L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। जब हमें L चाहिए तो डेल्टा T को तो ऊपर मल्टीप्लाई एंड नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा I। तो हमारे पास माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, मतलब 8 वोल्ट इंटू हमारे पास टाइम दिया है 0.05। जब हम करंट की बात करें तो करंट कितनी दी है 2 माइनस 4। जब हम इसे सॉल्व करें तो आप देखेंगे 2 में से माइनस 4 गया तो माइनस का 2, माइनस से माइनस गया 2 से 4 बार जाएगा, 4 × 0.05 आएगा, जिसे सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा। हमारे पास 0.2 क्या आ जाएगा हेनरी। तो ऑप्शन हमारा 20 का क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, देखते हैं, द नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर मैग्नेट इज बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू अ वर्टिकल कंडक्टिंग प्लेन अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टिंग प्लेन विल बी।
तो वो पूछना चाह रहा है कंडक्टिंग जो प्लेन है उसमें जो हमारे इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करते वक्त हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास मान लो एक वायर है, हमारे पास एक मैग्नेट है। क्वेश्चन नंबर 21, उसने बोला नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट इज बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू ए वर्टिकल कंडक्टिंग। तो इसको नॉर्थ को यहाँ रखेंगे और साउथ को इधर रखेंगे। जब हम इसको इसके पास लाते हैं, जब हम मैग्नेट को किसके पास लाते हैं, एक हमारे अपने कंडक्टिंग प्लेन जो वर्टिकल रखा हुआ है उसके पास लाते हैं, उसके अंदर जो डायरेक्शन होगी करंट की वो किस तरह से होगी, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब कुछ इस तरह होगी, तो उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो 21 का ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोला है द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स इज 0.075 हेनरी इफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.5 एम्पीयर टू 0 इन 0.01 सेकंड, फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल। ध्यान से देखिएगा, सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है। फॉर्मूला होता है ई बराबर माइनस का एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो हमसे पूछा है माइनस का 0.75 इंटू डेल्टा आई की बात करूं तो डेल्टा आई को अगर हम सॉल्व करें तो डेल्टा आई कितना दिया है, 0.5 एम्पियर। कितना, 0.5 एम्पियर अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे पास दिया ऑलरेडी 0.01। तो करंट जो है हमारा कहाँ से चेंज हो रहा है, 0 से 0.5। तो हमारा ये आ जाएगा 0 माइनस का 0.5, तो सॉल्व करने पे माइनस का 0.5 आएगा। माइनस से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। इस पॉइंट से ये दो पॉइंट 75/1 इंटू हमारे पास क्या बचा, 0.5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्व करने पे आएगा 37.5। कितना, 37.5। तो 22 का ऑप्शन इज द डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ ए करंट आई इज गिवन बाय इतना फ्लोज इन इंडक्टेंस इन एन एसी सर्किट अक्रॉस विद एन एसी पोटेंशियल ई बराबर ई 0 sin ωt हैज बीन अप्लाइड देन पावर कंजम्पशन पी इन द सर्किट विल बी। तो दोस्तों हमसे इसमें पावर कंजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है पी बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। अगर आप बात करें, अगर ध्यान से देखें, मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ या एक ट्रिक दे रहा हूँ अप्रोच, जहाँ भी आपको पाई बाई टू दिखाई दे तब हमारी पावर कितनी होती है, 0। डायरेक्ट आंसर है। तो हम इसका 23 का आंसर लगा सकते हैं डायरेक्ट डी। अब इसमें सॉल्व करोगे तो सॉल्व हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0। तो सॉल्व करेंगे तब भी हमारी क्या आएगी, 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स एंड इट्स सेकेंडरी binding has 200 turns. The primary is connected to an AC supply of 120 volt and then current flowing it is in 10 ampere. The voltage and the current in the secondary are. अगर आपको ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24, अगर आपके पास कोई ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखें। V1/V2 बराबर I2/I1 बराबर N1/N2। आप क्या देखते हैं ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास दिया हुआ है टर्न्स दिया है N1, तो हमारे पास 100 दिया है, N2 हमारे पास 200 दिया है। हमसे पूछा गया है कि B1/B2 बराबर N1/N2
जब हम वैल्यू रखेंगे इसमें V1 की वैल्यू पूछा है हमसे, V1 की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। बोला है कि द प्राइमरी, सॉरी V1 हमको दिया गया है, कितना V1 हमें दिया है 120। तो V1 की जगह 120 अपॉन V2 बराबर 100 अपॉन 200, तो 20 से 20, तो V2 बराबर आ जाएगा 12 × 2 = 24, तो हमारा कितना आ जाएगा 240 वोल्ट। तो 240 वोल्ट देख लो किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी ख़त्म, ऑप्शन सी ख़त्म, ए एंड बी बचा। तो ए और बी के लिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। I2 / I1 बराबर 100 / 200, जिसे हम बोलते हैं 1/2। अब 1/2 है तो हमारे पास देख लो करंट कितनी दी है, 10 एम्पियर। लेकिन याद करें तो द करंट फ्लोइंग इन इट इज 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर हमारे पास क्या दी गई है, करंट दी गई है। तो हमारे पास देखते हैं I2 / 10 बराबर 1/2, 2 से इसे काट देंगे तो हमारे पास I2 कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। तो ऑप्शन देख सकते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन अ 230 वोल्ट लाइन एंड सप्लाई ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 1:25, द करंट इन प्राइमरी इज, करंट इन प्राइमरी मीन्स I1 पूछा है आपसे। इसी क्वेश्चन को जो अभी सेम ऊपर वाले की तरह है 25, V1 / V2 बराबर I2 / I1 बराबर हो जाएगा हमारे पास N1 / N2। तो हमारे पास I2 दिया है कितना, 2 एम्पियर, I1 हमसे पूछा है N1 / 25। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जब हम देखेंगे, एक सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 एम्पियर। 50 एम्पियर दिया है क्या ऑप्शन में, सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शंस क्या सही होगा, 50 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, एक्सरे, गामा रे एंड माइक्रोवेव्स ट्रेवलिंग इन वैक्यूम है। अगर वैक्यूम में हमारी एक्सरे, गामा एंड माइक्रोवेव्स चलती हैं तब हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर होने के लिए वैक्यूम में हमारी क्या है, वेलोसिटी सेम होती है। तो 26 में जब हम बात करें वेलोसिटी तो हमारी सेम होगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम हो, श्योर नहीं मतलब होगी नहीं सेम, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ का। तो ऑप्शन 26 का हमारा क्या होगा, सी। नेक्स्ट की जब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज इज, डिक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा है साहब, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो होती हैं वेवलेंथ वो होती है माइक्रोवेव की, देन इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रे, गामा रे की क्या होती है, सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज इन फूड प्रोसेसिंग स्टरलाइजिंग एजेंट इज, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेज। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू अ मीडियम, व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू अ मीडियम, तो जब हम बात करें कि हमारी जो लाइट है वो हमारा रिफ्रैक्ट मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो कैसे आंसर होगा हमारा इसमें, तो देखेंगे। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो घट जाती है लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सही रहती है। तो 29 का ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की जब हम बात करें, तो द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज 2 एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डायमंड इज अप्रॉक्सीमेट, तो हमारा कितना आंसर होगा इसमें वो हमें देखना है। तो इसको सॉल्व करते वक्त हमें देखेंगे कि द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज 2,
तो जब मैं इसे सॉल्व करूँ तो सॉल्व करते वक्त इसका एक फार्मूला होता है म्यू बराबर सी अपॉन बी। तो उसने बोला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 2, सी की वैल्यू हमें मालूम है 3 × 10⁻⁸ होती है अपॉन बी, तो बी कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख लें आंसर किसमें कौन सा सही है, 1.5 एक ही ऑप्शन है हमारे पास ए, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 10⁻⁰ दिया और सेंटीमीटर दिया है, हमारा जो आंसर है वो मीटर में है लेकिन दिया सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 का ऑप्शन कौन सा सही होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। ए प्रिज्म हैज ए रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ 60 डिग्री, व्हेन प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन इट प्रोड्यूस ए डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है प्रिज्म का मिनिमम एंगल डेविएशन के लिए आई प्लस ई माइनस का ए, तो मिनिमम डेविएशन के लिए आई बराबर क्या हो जाएगा ई, तो हम बोल सकते हैं 2i माइनस का ए, जब हम आई निकालेंगे इसमें तो डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, तो हमारे पास डेविएशन दिया है कितना कितना है, तो हमारे पास 60 + 30/2, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 90/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 45 डिग्री, तो हमारे पास 45 डिग्री आंसर आएगा, सो हमारा 31 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल इन अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड, तो लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, 32 का हमारा आंसर होगा सी, वेव फ्रंट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज, जब भी वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन क्या है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू टेक आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो 33 का ऑप्शन क्या हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 34, तो वो हमारा किस पे होता है, तो हम बात करें तो के बराबर होता है ई टाइम्स ऑफ बी जीरो, तो हमारा इसमें 34 का जो आंसर है वो हमारा क्या है डी, तो हमारे जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पर। क्वेश्चन नंबर 35 की जब हम बात करें, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट्स एनर्जी, सबसे पहले हमसे स्पीड देन एनर्जी एंड रेडियस, इट्स ऑर्बिट वेरीज विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रेस्पेक्टिवली एज, जब हम बात करें कि जो हमारी स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/n की, एंड एनर्जी की जब हम बात करें तो ये होती है 1/n² की, एंड रेडियस की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर के, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है वो कौन सा मैच हो रहा है 35 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम की जब बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं एल बराबर एन एच अपॉन टू पाई, तो एन की वैल्यू 1 है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारे पास सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ए न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं आइसोटॉन्स बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन अ सेमी कंडक्टर, हमारे सेमी कंडक्टर में क्या है 38 का, तो हम देखते हैं देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, हमारे पास 0 केल्विन पर कोई उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम द, हमारे पास पीएन जंक्शन है तो उसमें जो डिफ्यूजन करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, तो इसको देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास देखते हैं हमें मालूम है जो डिफ्यूजन करंट है वो कहाँ से होती है, P2N साइड होती है हमारे पास, सो ऑप्शन क्या होगा 39 का डी। दोस्तों आप भरोसा रखिए कि इसको अगर आप लास्ट टाइम पे भी रिवीजन कर गए हमारे चाहो तो आप इसे स्पीड बढ़ा सकते हैं इसकी,
लेकिन आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू दोस्तों।